खबर पौड़ी से है, जहां दूसरी बार प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ का महासचिव चुने जाने पर डॉक्टर रमेश कुंवर ने संघ के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने पौड़ी पहुंचकर कहा कि चिकित्सकों की लंबे समय से जारी मांगों को सरकार के समक्ष रखना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही उन्होंने पीपी मोड में संचालित हो रहे अस्पतालों की व्यवस्था पर असंतुष्टता जताते हुए इन अस्पतालों को वापस सरकारी हाथों में जाने की वकालत की। उनका कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है, इस कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और अन्य टेक्नीशियन की तैनाती के लिए सरकार के समक्ष मांग रखी जाएगी। साथ ही चिकित्सकों के प्रमोशन और वेतन निर्धन को लेकर भी उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी। डॉक्टर कुंवर ने कहा कि डॉक्टरों पर लगे आरोपों के बिना जांच की कार्रवाई न की जाए, इसको लेकर भी संगठन सरकार के समक्ष अपना पक्ष आगामी दिनों में रखने जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। समस्या हमारे पास ये भी है कि सीएससी में जो हमारे पद हैं वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से भरे होने चाहिए, और जैसे कि स्पेशलिस्ट जो हैं कि वो सीएससी में ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रही है। मेनली अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ तो उससे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेसिकली उतने मिल नहीं पा रहे हैं, जिसमें मातृ मृत्यु दर में कंट्रोल कम हो पा रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि जैसे पीपी मोड जो ज़्यादातर पीपी मोड में चले गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारी सीएससी होती हैं, इससे भी जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं पूर्ण तरीके से इसमें काम नहीं कर पा रहे क्योंकि पीपी मोड की काफ़ी शिकायत आ रही है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे सरकारी डॉक्टर्स वापस ही पीपी मोड हमारे पास आ जाए, सरकारी के पास आ जाए। तीसरा ये है कि जो ACM और जो CMOs के जो रैंक्स होते हैं वो उनकी सीनियरिटी वाइज के हिसाब से ही दी जाए, ताकि जिसको 13 वर्ष पूरे हो गए हैं वो जो JD रैंक में आ चुका है या DPC नहीं बैठी है तो, लेकिन अगर उस रेंज में अगर वो है तो उसको उसी पद की जिम्मेदारी उन्हीं को ही दी जाए, ना कि किसी जूनियर्स को इन चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाए। तीसरा ये भी है कि जितने भी ऑफिसर्स इंचार्ज हैं नेशनल प्रोग्राम में, उसमें हमारे जितने भी MBBS डॉक्टर्स हैं उनको ही इसमें पोस्टिंग दी जाए। और जैसे पहले प्रथा चली आती थी कि जो सीनियर डॉक्टर हो जाते थे 10 साल से ऊपर, उनकी ACR देख के उनके काम को देखते हुए उनको PGs मिलती थी UP में जाके, तो ऐसी व्यवस्था फिर से हमारे स्टेट में भी लागू की जाए।